समझ देगी सब लात खाता तू लोग नहीं खाएगी। हम सबको बोल रहे हैं एक्शा बोलेगी तो जी रफ्तार से उसको मारे ना उसी रफ्तार से तुमको भी मारे। पढ़ने ये सिर्फ पढ़े पे ध्यान दो अनावश्यक भजर भजर जो चालू है तुम लोगों को ये मत समझना कि उधर जिधर रफ्तार चलता है इधर कम चलेगा वही रफ्तार से मुमकिन। हम बुलाए हैं पढ़ने के लिए पढ़िए आराम से घर जाइए झगड़ा करने के लिए नहीं बुलाए हैं कि आप लोग आपसे में भीड़ जा रही है और हम रीजन नहीं पूछते कि किस में गलती है बजाते बराबर। एक डिब्बे में भरा हुआ पेंट डिब्बा में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर² के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट में 22.5 cm 10 cm और 7.5 cm बीमाओं के कितने ईटे पेंट की जा सकती है सुनिए। ईटा ईटा का फोटो बना देते हैं। कौन सा ईटा है? जियो जियो सर जियो सुन रहे कोनो ना कोनो ईटे ना बनेगा ईटा बन गया ईटा का फोटो अब इसकी बीमा सुन रहे बात भचर भचर ज्यादा मत अब ईटा का बीमा है बाबू ये एल दिया है इसका 22.5 और ऊंचाई इसकी चौड़ाई इसकी कितने दे दिया है चौड़ाई इसका कितना दिया है 10 cm और ऊंचाई 7.5 cm समझा सुन रही ये इसकी बीमाएं दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसके पास पेंट कई लीटर है 9.37 को पेंट करने के लिए क्षेत्रफल कितना क्षेत्रफल पर क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 9.375 मीटर इतने क्षेत्रफल पर पेंट करना है एक ईंटा पर कई गो ईंटा इसे पूरा पेंट क्षेत्रफल इतना ही है कई गो ईंटा पेंट हो जाएगा अगर ईंटा की लंबाई मतलब लेंथ ये है चौड़ाई ये है ऊंचाई ये है तो कई गो ईंटा पेंट हो जाएगा ईंटा की संख्या बताना है समझे रे साल में का बताना है ईंटा कई गो पेंट हो जाएगा ये बताना है सुनिए दिमाग नहीं लगाएंगे चूंकि अब ईंटा का पेंट करेंगे तो चारों तरफ से ना पोतना पड़ेगा चीट पट दाएं बाएं चारों चौहद्दी पेंट करना होगा तो घना ना हुआ क्या हुआ अलग अलग बीमाएं है मतलब घना भी है तो क्या है चूंकि घनाभ का एल हमारे पास रे बउआ 22.5 चौड़ाई 10 cm और ऊंचाई एच 7.5 सुनिए पूरा क्षेत्रफल हमको मालूम ना सुनिए पहले ही बता दिए कि ईटा का चूंकि ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ होगा पोचारा पेंट उन्ट कभी किए हो पेंटर बनोगे तो पता चलेगा तो पहले क्या कर लेते हैं क्षेत्रफल तो ये दिया हुआ है और हम लोग निकाल लेते हैं कि कितना आ रहा है तो संपूर्ण घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा 2 × LB + BH + LH इसमें तो PhD है हम लोग सुन दिमाग मत लगा साथ के ध्यान तू तो ठीक है L दिख रहा है L ये है B ये है L ये B ये निकाल दे 22.5 × 10 बस बस प्लस प्लस बी एच बी कितना 10 एच कितना 7.5 अगर बंद नहीं ना करेंगे और री एल एच एल एच एल कितना 22.5
इंटू 7.5। सुनिए, दो तो ठीक है, दो ठीक है, दशमलव हटाने के लिए बटा में लेना होगा 100। 225 बटा गुणे 10, इधर भी देख वही 10 गुणे 75 बटा 100 प्लस 225 बटा 100, और यह भी 100 लेगा, 75 बटा, हाँ तो सब में बटा में 100 तो निकालना लो, तो बटा में 100 निकाल लिए ना। अब अंदर सबको गुणा कर दीजिए, 225 गुणे 10 प्लस 10 गुणे 75 प्लस 75 गुणे 200। सुना ना, तू लोग समझते कि सब लात खाता है, तू लोग नहीं खाएगी, हम सबको बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा बोलेगी तो जिस रफ्तार से उसको मारे ना उसी रफ्तार से तुमको भी मारे। पढ़ने आइए, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, अनावश्यक भजर भजर जो चालू है तुम लोगों को, ये मत समझना कि उधर जिधर रफ्तार चलता है इधर कम चलेगा, वही रफ्तार से होगा। हम बुलाए हैं पढ़ने के लिए, पढ़िए आराम से, घर जाइए, झगड़ा करने के लिए नहीं बुलाए हैं कि आप लोग आपसे में भीड़ जा रही है, और हम रीजन नहीं पूछते कि किसमें गलती है, बजाते बराबर है। अब सुनो, जब इसको सॉल्व करेंगे ना बाबू, इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा, लेकिन इसका आने का रफ्तार बदल जाएगा, 0.09375 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, समझा, ये पूरा का पूरा यही आएगा। तो हमको क्या करना है, हमको इसका क्या करना है, ईंट कै गो क्षेत्रफल पे इसका हो जाएगा, क्षेत्रफल इसका कितना होगा ये हमें पता करना है, क्षेत्रफल पहले से ना है हमारे पास, 9.375 मीटर स्क्वायर। आइए गो यो निकाले, तो जो इधर गुणा करेगा आगे क्या कर जाएगा, उसको भाग करा दीजिए, 0.09375। दशमलव के बाद कै गो संख्या, 3 गो, ये ले लेगा 3 को 0, यहीं पे मार देते हैं 3 को 0, ये दशमलव के बाद गिन ले कै को 0 है, 5 को, तो ऊपर में 5 को 0 कर दे, 1, 2, 3, 4, 5, समझा, अभी तो दशमलव गायब, दशमलव गायब ना हो गया रे, दशमलव गायब। तो सुनिए, 3 को 0 से खत्म, इसमें इसमें कौन अंतर नहीं, एक बार में गया, एक को गुणा कर देंगे तो कई ईंटा हो जाएगा, 100 पीस, कई ईंटा पेंट होगा, जो कि हमें निकालना था।